चेतनम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे कि अभी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि कितना सौभाग्य का दिन है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 2500 साल पहले इसी पवित्र भूमि में कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। 11वीं शताब्दी में सिद्धों में बहुत बड़े योगी गोरखनाथ जी का वैशाख पूर्णिमा को ही अवतरण हुआ और हमारे आराध्य देव इष्ट देव सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का 307 वर्ष पूर्व हरियाणा की इस पावन भूमि पर अवतार हुआ। तो हम तीनों महान हस्तियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। देखिए सदगुरु हर युग में बार बार जीवों के अंदर भाव भक्ति दृढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं और माया जाल से इन जीवों को निकालकर भवसागर से पार लगाते हैं। सदगुरु आवे हंसों कारण जिनका यही व्यवहारा और नाम दृढ़ावे भक्ति बंधावे, ऐसे ही बारम्बारा। जैतराम जी महाराज ने तो साक्षात गरीबदास महाराज के चरणों में बैठकर दर्शन किया, ज्ञान प्राप्त किया और आत्म साक्षात्कार करके सदगुरु के धाम में पहुंच गए। उनसे पूछा है, सदगुरु अगर परमात्मा तो निराकार है, निर्गुण है, तो फिर जो आप अपने सदगुरु को परमात्मा कह रहे हैं तो इनमें अंतर क्या है, ये तो शरीर रूप में दिखाई देते हैं। तो जैतराम जी कहने लगे, हंसों कारण सतगुरु आवे धारे स्थूल शरीरा, आकार बिना कुछ गति न पावे न्यारा अस्त्र थीरा। हंस आकार धरे जन देही सतगुरु भी संग आवे और आकार को आकार पिछाने निराकार नहीं पावे। कहते वही सूक्ष्म सतगुरु ही सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में देह धारण करके निराकार से आकार लेके फिर यहाँ भक्तों को चेताने के लिए आते हैं, क्योंकि आकार वाला तो आकार को समझा सकता है, अब निराकार आकार वाले को कैसे समझाएगा। इसलिए वे मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं, बाकी तो वह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर से भी परे होते हैं, केवल में जिनकी स्थिति होती है, फिर भी हंसों के लिए इस जगत में आते हैं। ऐसे सदगुरु गरीबदास जी महाराज सतलोकवासी आज वाले दिन ही प्रकट हुए थे और ऐसे ही सिद्ध गोरखनाथ जी, वो भी अयोनिज थे, माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब दासा दो जन उतरे ता भक्ति का बेव, गोरख उपजे ज्ञान से बहुति दीमा देव। कहते हैं ये इनके ज्ञान पुत्र थे मच्छंदर जी के, एक माता को जिनको संतान नहीं थी बहुति दी थी मंत्रों से अभिमंत्रित कर कर, इतनी ताकत होती थी मंत्रों में। आज तो यंत्रों से भी मुश्किल संतान पैदा होती है, लेकिन इस सिद्धों की परम गति देखिए, जो मंत्र फूंक दें और उस बहुतियों में से बच्चे पैदा हो जाए, ये भारत की तो कला है, योगियों की फकीरों की कला है। और वो मंत्र फूक के बहुति दे दी, लेकिन माता ने डर के कारण कुरड़ी में डाल दी। 12 साल के अंदर संत का आशीर्वाद निष्फल नहीं जाता है। और जब मच्छंदर जी आए पूछा, कहने के बड़ा अनर्थ कर दिया, वो जहाँ गाय का गोबर डालते हैं वहीं बता कहाँ है, जाकर आवाज लगाई, बेटा गोरख कुरड़ी से बाहर आ, तेरे गुरु पुकार रहे हैं। और गोरखनाथ जी कुरड़ी का सीना चीर कर और योगी कानों में मुद्रा कपीन कोपीन पहने योगी शरीर में अपने गुरुदेव के पास खड़े हो गए। किसी माँ ने पालन पोषण नहीं किया, गुरु ने सुरती से उनका पालन पोषण कर दिया। तो सदगुरु कहते गोरख उपजे ज्ञान से, यानी ज्ञान से प्रकट हुए, जो बभूति दी थी और वो महादेव जी की थी, क्योंकि ये नौ नाथ जो हैं ये सिद्ध हैं, मच्छंदर नाथ जी, गोरखनाथ जी, जलंधर नाथ जी, कानीपा नाथ, गहनी नाथ, रेवणी नाथ और नागनाथ, ये जो भर्तृदि, ये नौ नाथ हैं, ये अजर अमर हैं और ये कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, परम ज्ञान है। और ऐसी ऐसी सिद्धियां थी, मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं तो भी उनके मनुष्य बन जाते थे, ऐसे संजीवनी मंत्र थे। तो इसलिए भारत में तो एक बहुत बड़ी परंपरा रही है संतों की। और ऐसे ही बुद्ध भी, जब उन्होंने देखा कि कोई रोगी जा रहा है, उससे पहले रोगी नहीं देखा था, एक वृद्ध को देखा, एक शव को देखा, एक सन्यासी को, ये चार घटनाएं देखी। और सारथी के साथ घूमने गए थे, वो भी
जंगलों में चले गए, 12 साल तक साधना की और बुद्धत्व को प्राप्त होकर लौटे। यानी बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नाम तो उनका सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु के राजा सुदोधन, जिनको बुढ़ापे में औलाद पैदा हुई थी महामाया के घर में, और वही थोड़ी अवस्था में ही जो 2 दिन का बच्चा छोड़कर जंगल में चले गए अपने आत्म स्वरूप को पाने के लिए, तो इसलिए बुद्ध कहलाए। बुद्धि के सतर से इंसान नीचे आ जाए तो बुद्ध, और बुद्धि के सतर से ऊपर चला जाए तो बुद्ध। तो देख लो आपने क्या करना, सतर में नीचे आओगे तो बुद्ध बनोगे, और बुद्धि के स्तर से ऊपर उठोगे तो बुद्ध पुरुष बन जाओगे। गरीब दास, नानक साहब, दादू साहब और गोरखनाथ जी, ये सारे बुद्ध पुरुष हैं जिन्होंने अपने आप को जान लिया। तो इसलिए ऐसी हस्तियां संसार में हमारे अंदर भक्ति और नाम की कमाई करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि नाम के बिना हम परमात्मा को पा नहीं सकते। वो नाम ही है, हम नामधारी हैं, और माध्यम क्या है? नाम, जो हमें सदगुरुओं से मिलता है। इसलिए गरीब दास महाराज फरमाते हैं, गरीब नाम शिरोमणि सार है, सो हम सुरत लगाए, ज्ञान गलीचे बैठ कर सुन सरोवर नहाए। ये युक्ति दे दी, नाम शिरोमणि सार है, जितनी प्रकार की साधनाएं हैं सब में सार क्या है? नाम का सुमरण करना, सुरति निरति में। जो गुरुदेव महाराज फरमाते हैं, सोहम सुरत लगाए, यानी जो हमारे श्वास की स्वतः ही आवाज है, इसको सुनना भी है और इसको देखना भी है, सुरति में इसका जप करना है सार नाम का। ज्ञान गलीचे बैठ कर, यानी किसके गलीचे पे? ज्ञान के आसन पे बैठ कर। क्या आसन पे? कि श्वास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से ऊर्जा उठेगी, कैसे कमल खुलेंगे, और कहाँ कहाँ पर हमने कौन सा सुमरण करना है, और कैसे इस नाम को चलाना है, ये ज्ञान के गलीचे पे बैठना। सुन सरोवर नहाए, ये जन्मों जन्मों से विषय विकारों से कर्मों से मैली हुई आत्मा को सदगुरु ऊपर ले जाते हैं, और सुन सरोवर में, जो इतना दिव्य सरोवर है, मैल विकार सब संसार के माया मलिन मंजन यहीं रह जाएगा, उसमें स्नान करके पवित्र करके अपने धाम में ले जाते हैं। इसलिए आपके हमेशा यही प्रश्न होता है कि हम सत्संग भी सुन रहे हैं, नाम भी जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर मन नहीं लग रहा है, आगे गति नहीं हो रही, साधना नहीं बढ़ रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है भक्ति में। भाई क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है, आप 1 महीने में यहाँ आए, 2 घंटे सत्संग सुना, फिर संसार में उतर गए, बाजार में घूम आए, और थोड़ा मॉल में घूम आए, मस्ती कराए, फिर होटल में भी खा आए, हैं फिर रेस्टोरेंट में चले गए, और जो फिल्म देखते उसको क्या कहते हैं, सिनेमा हॉल में, उसमें चले गए, अच्छी बुंडे दृश्य देख के, और सारे तरह का व्यवहार करके कूड़ा करकट इसमें भर के दिमाग में, और फिर बैठो नाम जपो। होगा नाम? उस मन से नाम नहीं होगा जो इतना तुमने इकट्ठा कर लिया और फिर तुम सोचोगे कि नाम सुमरण करें। तो आपने अगर साधक और आपका उपासक जीवन है तो थोड़ा सा प्रेज करना पड़ेगा। आपने बाहर की अनर्थ चीजें कुछ भी उठाया खा लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया, कहीं भी विहार करके आ गए, कभी भी घूम गए, किसी के भी साथ बैठ गए, हर चीज से आपने थोड़ा सा प्रेज करना पड़ेगा, तब आपका साधक जीवन शुरू होगा। वैसे नहीं होगा, भी बैठ के नाम नहीं चल रहा है, होटल में जाकर वहां भी ठुमके लगाए, एक पैग भी लगा लिया, थोड़ी सिगरेट भी पी ली, 2-4 महिलाओं के पास बैठ के इधर उधर की बातें भी कर ली, किट्टी पार्टी कराई, फिर कैसे सुमरण करोगे आप? थोड़ा सा साधक जीवन बनाओ। और कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर, दुनिया से ती दोस्ती होए भजन में बंग, एकाएक गुरु से कह साधन के संग। हे अंशात्माओ, दुनिया से ती दोस्ती होए भजन में भंग। बहुत ज्यादा दोस्ती बनाकर रखोगे ना संसारियों से, भजन में बाधा पड़ेगी। क्यों? इधर उधर का सब कुछ सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, सारी मर्यादाएं टूटेंगी, अनुशासित संयमित जीवन नहीं रहेगा, और आपकी बोलचाल भाषा बिगड़ जाएगी। और साधक की भाषा, बातचीत करने का ढंग थोड़ा मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित और नियंत्रित होना चाहिए। एकाएक ही गुरु से, अगली लाइन में कहते हैं, या तो एक बन के समर्पित होकर गुरु के पास रहे, जैसे हमारा साधक जीवन है, या साधन के संग, या तो संतों की संगत, या फिर अकेले में साधन, जो आपको नाम दिया है उसमें लगे रहना, और संसार के कार्य व्यवहार भी करते रहना। और नहीं तो सारा बिगाड़ खाता यहीं से होता है, जितना ज़्यादा बाहर का संग करोगे आपका भजन में बाधा पड़ती रहेगी, आगे नहीं उठ पाओगे, क्योंकि संतों ने सही फरमाया है, थोड़ा मिलना सुख गणा, मन में रह उल्लास,
बहुत मेल मिलाप से हो प्रीति का नाश। आपके घर में रोजाना को घना बैठन लाग जा है, सब की तरह नजर हो जाए, यू रोजाना बैठे इसके पास, जितना घना बैठेगा उतना जल्दी टूटोगे। क्यों? जितना प्यार प्रीत है घनी बात करोगे, इधर उधर की होंगी, वहीं से प्रीति टूटनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा मत बैठो ना बिठाओ किसी को। थोड़ा मिलना सुख घना मन में रोए विलास, बहुत मेल मिलाप से हो प्रीति का नाश। बहुत मेल मिलाप से प्रीति खत्म होनी शुरू हो जाएगी। हो प्रीति का नाश वैर भी होए पैदा, मुख देखन से जाए पड़े आपस में वैदा। और वही मित्र शत्रु बनकर क्या कहेंगे, तेरा तो मुंह भी ना देखूं। बैरी वही बनता जो घना मित्र होता है। कहीं ईश्वरदास किसी से करो न जोड़ा, असल फकीर की रीति मिले इस जग में थोड़ा। ईश्वरदास जी ने किरण महाराज के शिष्य थे, जिनको पंजाब में आत्म साक्षात्कार था। कहने कहते हैं फकीरों जी सी रीति रखो। हाँ जी राम जाम जी, सतसाहेब जी नमस्ते जी, बैठे थोड़ी सुनी, हाँ जी जाओ ठीक, अपने भजन में लगो, संत भी लगे, तो इतना ही रखो। नहीं तो बात करते करते संसारी व्यक्ति हमारे जैसे साधक जीवन को भी अपने तल पर ले आएंगे, फिर कहेंगे अरे इसमें हमारे मंत्र क्या है। तो इसलिए बहुत ज्यादा व्यवहार की नहीं, ठीक ठीक, और बाकी फिर परमार्थ मार्ग में लगे रहे। तो ऐसा संतों का जीवन था। गरीबदास महाराज भी खेती करते, देखो बैल भी हैं गाड़ी बातें हैं, लेकिन संतों की जमात बैठती है, और उस जमात में तो सिद्ध निखाले बंदी छोड़ने 124 शिष्य उड़ कर जाते थे आकाश मार्ग से। उसमें कोई किसान था, कोई जाट था, और कोई कुछ काम करने वाला था, कोई कुछ करने वाला था। और सदगुरु ने फिर इतने चमत्कार दिखाए इस नाम के बल पे, सुमरण करते थे, देखो गोबर का भी घी बना दिया, और देवलोकों की आत्माएं, शिवलोक की आत्माएं, साधु राम जी, नौ यज्ञेश्वर जी उतर उतर के और सदगुरु के चरणों में ज्ञान लेने आ गए। और एक समय ऐसा हुआ, बागड़ में राजस्थान में बाजरा बोते हैं, खेत की रखवाली के लिए किसान गोफिया लेके या बंदूक लेके बैठते, रोज वगैरह जंगली जानवर सूअर ना खा जाए। ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति बाजरे की रखवाली कर रहा था, उन्हें सोची कोई रोज या जानवर है, उसने गोली चला दी, तो थी गौ माता, वह बेचारी रम आते मर गई। और पास जाकर देखा तो बड़ी गलानी हुई, मेरे से बहुत खोटा कर्म हो गया, और गौ हत्या का पाप तो उतरेगा नहीं। वो रोने लग गया, घर आकर बताया, उसको मिट्टी दी, गाँव के लोग इकट्ठे करे, कहने जी ब्रह्म हत्या हो गई, क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं प्रायश्चित बिना कटते नहीं है, जैसे किसी कन्या की हत्या कर देना, और व्यभिचार है, और किसी जीव की हिंसा करना, गौ हत्या करना, ब्राह्मण की संत की गुरु से द्रोह करना, ये पाप वैसे नहीं कटते हैं। तो गांव वालों ने कहा भी तू ऐसा कर, अपने पंख ला के सिर पे, और कपड़े की गाय की पूछ बनाकर गले में डालकर नंगे पैरों, और बस्तियों में नहीं ठहरना, और पश्चाताप रोता जा, और भिक्षा मांग के करनी है, सारा धूप सर्दी अपमान भी सहना कि मैं गौ हत्यारा हूँ। और गंगा स्नान करके आ, और गंगा स्नान करके खड़ा होकर और किसी पंडे से विद्वान से संकल्प करना है, गंगा मैया मेरे से ये पाप हो गया और मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर वहाँ भंडारा करके आ, छोटा मोटा जैसी तेरी सामर्थ्य है, यज्ञ करवा के आ, और फिर भगवान का नाम जब जब तू थोड़ा सा इस पाप से निवृत्त होगा। इसलिए आप कभी कोई गलती हो जाए, बड़ा पाप हो जाए, जो क्षम्य नहीं होता है, अपराध हो जाए, फिर ये हमारी संतों ने परंपरा बताई है, गंगा में खड़े हो जाओ घुटने तक, फिर संकल्प करो, और फिर किसी संत से अपना पाप बताओ, और फिर थोड़ा भंडारा करो, और प्रायश्चित यज्ञ करो, और भगवान का नाम जपो, इस नाम में ताकत है। तो उसने यही किया, बेचारा गाँव से बाहर ही ठहरता, भूखा प्यासा, जब छुड़ानी तक आ गया तो किसी ने कहा तेरा कष्ट मिट सकता है, यहाँ एक पूर्ण संत है, उनके दर्शन कर ले। और जब आया, सदगुरु के दर्शन किए, उपदेश कर रहे थे, और हंसों की जमात बैठी थी, वो भी रोने लग गया। जब सब उठ गए, सदगुरु मैं गौ हत्यारा हूँ जी, पाप हो गया, और मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ ताकि मेरा प्रायश्चित हो जाए, कोई युक्ति बताओ। सदगुरु ने दया आई, भाई गंगा स्नान करना चाहता है प्रायश्चित, कहने लगे हाँ जी, कहने लगे अच्छा, सुबह सुबह गाँव के बाहर सदगुरु वहाँ ले गए जोड़ के पास, और सबको कहा कि आंख बंद करो, और सदगुरु ने यहीं बैठे कितने सैकड़ों किलोमीटर से माँ गंगा का आह्वान किया, और छुड़ानी धाम में गंगा प्रकट कर दी, सभी इतने पानी में खड़े, और जो हरिद्वार का नजारा है ना, सारा तीर्थ मंदिर है, संगत भी घूम रही है, पंडे पुजारी, वो सब आड़ खड़ा कर दिया।
खूब नहाया, वो भी जीसा आ गया और दूर नहीं जाना पड़ा, और गंगा स्नान किया, फिर दूर से पंडार आया, उससे संकल्प भी करवा लिया, गंगा में खड़े होकर भी कर लिया, घूमने लग गया देखकर, और नहा रहा था ना, पैर का एक लोटा लग गया, उसने निकाल लिया और सदगुरु से बोला, जी मैं जब स्नान कर रहा था ना तो ये पैर में लोटा लग गया, सदगुरु ने रख लिया। माँ रानी भी, माता मोहनी देवी, बेटियाँ, गांव की स्त्री पुरुष सब ने गंगा में स्नान किया, सब खुश हो गए। और उसके बाद सदगुरु ने माया समेट ली, सब कुछ अंतर ध्यान कर दिया, सब ने सपना हा हो रहा कि हरिद्वार गए थे, छुड़ानी खड़े हैं, यही करा कर सदगुरु तो इतनी बड़ी लीला। अड़सठ तीर्थ गुरु चरण पर भी ओत नहान, और सजो ऐसा धाम ना अंड पिंड ब्रह्मंड। सजो भाई कहते हैं सतगुरु ऐसे पूर्ण संत के चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ रख दो। एक छुड़ानी का ही पंडित जी हरिद्वार गंगा में स्नान करने गया था, आके गांव में आया, सतगुरु के प्रणाम करके वो भी बैठ गया। तो सदगुरु कहने लगे भी ठीक ठाक रहा तू यात्रा पे गया था? कहने लगे हाँ जी सब कुछ ठीक रहा, पर मेरा नहाते समय लोटा बह गया था हरिद्वार में। सदगुरु ने उठा कर बोले पंडित जी यही लोटा था? कहने लगे हाँ जी यही था, ये यहाँ कैसे आया? तो संगत ने बताई कि जो गंगा हरिद्वार है वो छुड़ानी में प्रगट की, खोया लोटा हरिद्वार और निकला कित छुड़ानी धाम में। इस तो बड़े सदगुरु और क्या हो सकते हैं, ब्रह्मांड के उठा कर रख दे ऐसे सदगुरु। तो उसको फिर नाम दीक्षा दी और उसका प्रायश्चित करवा के कहने लगे भी सदगुरु का नाम जप ले, क्योंकि कर्म बंद ना मोक्ष करो नाम रटे जो प्राणी, जूनी संकट ना पड़े सदगुरु के परवान। गरीबदास जी महाराज कहने लगे इस कर्म के संकट से मोक्ष कर दूंगा, जो प्राणी नाम जपेगा और योनि के संकट भी मिट जाएंगे, दोबारा जन्म मरण में नहीं आएगा। जो वैसी घटना देखी ना, तो माता रानी, माता मोहनी देवी और सदगुरु की दोनों बेटी दिल कौर ज्ञान कौर और घर की और स्त्रियों को लेकर के रोजाना इतने चमत्कार देखते हैं, बड़ी बड़ी सिद्ध आत्माएं और संत आकर योगी अवधूत जोगी सब ज्ञान लेते हैं, हम सेवा में लगी रहते हैं। और उस दिन सदगुरु जी उस बड़े पलंग पर बैठे थे, आके नीचे बैठ गई सारी और हाथ जोड़ कर कहा आगे माता रानी, उसके पीछे थोड़ा पर्दे में मोहनी देवी और बराबर में सिर पर चुन्नी किए दो देवी स्वरूपा गरीबदास महाराज की बेटी और बेटे, और चरणों में बैठ कर कहने लगे सदगुरु आज हमें भी उपदेश करो। गुरुदना तो रोजाना सेवा करती रहती थी, तो सदगुरु ने देखा भी बहुत जिज्ञासा पैदा हो गई है। गरीबदास महाराज ने संबोधन शुरू किया, जैसे कपिल मुनि ने देवहूति को ज्ञान दिया, आज ज्ञान दे रहे हैं। एक धर्मपत्नी एक माँ है और बेटियाँ बैठी हैं। सदगुरु कहने लगे माई ऐसा साहेब से हो पतित उदारणा, माई ऐसा साहेब से हो पतित उदारणा। माई हे माँ, उस साहेब की वंदना भक्ति करो जो पतित से भी पतित को पार कर देता। बजर की होरी जारी प्रहलाद लिए हैं उबारी, आए री आए खमके पाड़ना, माई ऐसा साहेब से वो पतित उदारणा। अब स्त्री श्रद्धालु होती है तो सदगुरु ने भक्ति भाव से श्रद्धा से ऐसी वाणी उच्चारण शुरू कर दी कि जैसे प्रहलाद ने भक्ति की थी तो होली का जलगिर उसकी रक्षा कर दी। फिर बलि के द्वारे पर आए, भावन रूप की ना बलि जगदान दीना, त्रिलोकी त्रिपैंड चरण पसारणा, भावन रूप साई पलकों बिराज गुसाई, आदर अंत रहेंगे बलि के द्वारणा। वो मालिक ऐसा है, आए थे बलि को छलने खुद ही बंध गए, युगो युगो तक उसके द्वार पर बंधे रहेंगे। फिर सतगुरु कहते हैं धरो की मात सुनीती माता, जिनके एक शेर उखाता, आसन अटल विराजे कोई ना टारणा, माई ऐसा साहेब से वो पतित उदारणा। आज माता रानी अपलक दृष्टि से दिव्य स्वरूप माता मोहनी देवी दोनों बेटियां और सदगुरु की पलक बुलंद और चौड़ा मस्तक जैसे परमात्मा इस धरती पर उतर कर आया है, जो का तुम वर्णन करने लगे। माता हो तो सुनीति जैसी हो और भक्ति हो तो विभीषण जैसी हो, हनुमान जैसी हो। और फिर सदगुरु कहते हैं वो मालिक ऐसा है, खूब जा मालन के जी खूब सुधारणा, रापति दंत उपाड़े जीतन जंग मल उखाड़े, आए चिदानंद साई कंस के मारणा।
फिर सदगुरु कहते हैं दुशासन हारे थाके द्रौपदी की लाज राखे अंत पिंदाम्बर जीने चीर उतारना। अरे माँ देखो उस द्रौपदी को भरी सभा के अंदर चीर उतारे जा रहे थे, देव परमात्मा चीरों में प्रवेश कर गया, उसके चीर नहीं उतर पाए। तो बाणी लंबी लंबी है, फिर सदगुरु कहते हैं दास गरीब साखा में बिरद भाठ बाक्षा दरबार तुम्हारे चेरा चारणा माई ऐसा साहेब सेवो पतित उदारणा। कहते मैं तो भाट हूँ परमात्मा का, गीत गाने के लिए आर गुआने के लिए आया हूँ और उसके चरणों में सबका बेड़ा पार हो सकता है। तो वहाँ पर सदगुरु ने मंत्र दिया माई ऐसा साहेब सेवो पुरुष अलेख है। अब बेटियाँ कहने लगे गुरुदेव भगवान पिताजी भगवान हमें भी मंत्र दीक्षा दे दो। तो सदगुरु ने वह मंत्र दीक्षा दी। पता चला ये तो पिछले जन्मों की ब्रह्मचारिणी योगी आत्माएं हैं दोनों। तो सदगुरु ने कहा खुले ब्रह्म रंदन जलकत मुकट चंद्रम अवगत आदे नादम अलख अलेख है। दोनों बेटियां बैठ गई ध्यान में और सदगुरु ब्रह्मरंद्र के रास्ते से उनका भी त्रिकुटी का द्वार खोल दिया। देखा गरीबदास महाराज ही गुरु ही ज्योति स्वरूप में त्रिकुटी में भगवान के रूप में विराजमान नूरी स्वरूप में। अब सब ने दंडवत प्रणाम की गरीबदास महाराज की माता मोनी देवी ने और दोनों बेटियां आज समर्पित करके कह रही है आप पिता भी हैं, आप भगवान भी, आप गुरु भी हैं। और दोनों बेटियां ने प्रार्थना की गुरुदेव पिताजी अब हमें विवाह नहीं करना, अब संसार में नहीं फंसना। जब घर में भगवान आए हुए हैं परमात्मा गुरु उतरे हुए हैं तो आजीवन माता पिता के गुरु के पास रहकर उन्होंने साधना की। ये उपदेश गरीबदास महाराज ने अपने परिवार को दिया था, ऐसी सिद्ध योगी आत्माएं थी। तो इसलिए समय भी काफी हो गया, लीला बहुत है गरीबदास महाराज की लेकिन समय की अवधि है 25 मिनट हो चुके हैं जैसे गुरुदेव जी महाराज का आशीर्वाद था। तो ऐसी चारों बेटे और बेटियां सारे के सारे सिद्ध थे और मोनी मातवा जो माँ भी थी धर्मपत्नी भी थी सेविका थी वो भी पार हो गई, उनको भी सदगुरु के अनेक चमत्कार दिखे और उनका भी घट खुल गया। ऐसे ही महात्मा बुद्ध थे जिनकी धर्मपत्नी यशोदा भी एक भिक्षुणी बन गई थी, बेटा राहुल भी 12 वर्ष की आयु में भिक्षु बन गया था। और महात्मा बुद्ध का आज वाले दिन ही प्रादुर्भाव हुआ, आज वाले दिन ही उनको साक्षात्कार प्रकट हुआ और आज वाले दिन ही 80 वर्ष की आयु में संसार से महाप्रयाण कर चले गए थे। तो ऐसी महान हस्तियों के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं जो हमें भाव भक्ति जगाने के लिए नाम जपवाने के लिए इस 84 के फंद काटने के लिए सदगुरु बंदी छोड़ इस धरती पर आते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी सदगुरु गरीबदास महाराज और महात्मा बुद्ध के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम वंदन हम अपने गुरुदेव भगवान को करते हैं जिनके चरणों में ये संतों का भक्तों का दिव्य मेला लगता है, भगवान की परम वाणी सुनने का अवसर मिलता है। इसलिए जो भी आपको नियम बताए हैं गरीबदास महाराज की वाणी का पठन पाठन करिए, श्रवण करिए, घर में वाणी पाठ करिए और मंत्रों का उच्चारण करो, नाम जपो, सत्संग सुनो, रात को बैठकर ध्यान करो, अपने गुरु धाम में आकर सेवा करो, ये सारे भक्ति के ही प्रकल्प कहलाते हैं। और आप ऐसी दिव्य आत्माएँ हैं जो सारी मौज मिली हुई है। अब आई आगे आगे ऐसा कलयुग आएगा भी नाम भी नहीं जब पाओगे, आप भक्ति नहीं कर पाओगे, कहीं सत्संग नहीं मिलेगा। ये पैरा चल रहा है, जितना हो सके पुण्य कमा लो और इस अवसर का लाभ ले लो, संसार से पार हो जाओगे। जयत राम ऐसा हरियाणा सब देशों से न्यारा, बहुत सुंदर हरियाणा की महिमा भी गाई है और सदगुरु की वाणी की महिमा भी गाई है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। जय जय गरीबदास कुर्बाना, जय जय गरीबदास कुर्बाना, जय जय गरीबदास कुर्बाना, जय जय गरीबदास कुर्बाना। सतगुरु दिया अब पद दाना, सतगुरु दिया अब पद दाना, जय जय गरीबदास कुर्बाना, जय जय गरीबदास कुर्बाना, जय जय बंदी छोड़ कुर्बाना, जय जय गरीबदास कुर्बाना। सतगुरु दिया अब पद दाना, दाता दिया
सबे पद दाना जय जय गरीब दास कुर्बाना जय जय गरीब दास कुर्बाना कलू काल कलयुग के माई कलू काल कलयुग के माई सतगुरु हन सान चिताए सतगुरु हन सान चिताए सत संगत संतों की देवे सत संगत संतों की देव भोजल हन साबूडत खेव भोजल साडूबत के मैं जज गरीब दास कुर्बाना जज गरीब दास कुर्बाना सतगुरु दिया भय पद दाना जय जय गरीब दास कुर्बाना जय जय बंदी छोड़ कुर्बाना भक्ति दान और नाम सतेसा भक्ति दान और नाम सतेसा तीजी सत संगत परवे तीजी सत संगत परवे यही विधि सतगुरु हम को दीजे यही विधि सतगुरु हम को दीजे जे बाप करे अपना कर लीजो बाप करे अपना कर लीजो जज गरीब दास कुर्बाना जज गरीब दास कुर्बाना जज गरीब दास कुर्बाना जज बंद छोड़ कुर्बाना सतगुरु दिया भय पद दाना सतगुरु दिया भय पद दाना जय जय गरीब दास कुर्बाना जय जय गरीब दास कुर्बाना बा गए की लाज निभाओ बा गए की लाज निभाओ ताते हम शरणाई आए ताते हम शरणाई तुम सादाता और न कोई तुम सादाता और न कोई तुम से दाता तुम ही होई तुम से दाता तुम ही हो जैत राम तुम शरण आया जैत राम तुम शरण बांधी जाम किया मन बाया बांधी जाम किया मन बाया जज गरीब दास कुर्बाना जज गरीब दास कुर्बाना जज बंदी छोड़ कुर्बाना जज गरीब दास कुर्बाना सतगुरु दिया भय पद सतगुरु दिया भय पद दाना जय जय गरीब दास कुर्बाना जय जय गरीब दास कुर्बाना जय जय बंदी छोड़ कुर्बाना जय जय बंदी छोड़ कुर्बाना जय जय गरीब दास कुर्बाना जय जय बंदी छोड़ कुर्बाना बोलिए सतगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान की जय सत साई ओम शांति।